हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट वन, द डेली डोज ऑफ बी टाउन, एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। विवेक ओबरॉय ने साधा आमिर अजय के फैंस पर निशाना। सूरज पंचोली वरुण धवन को मानते हैं अपना कॉम्पिटिटर। जज्बा में संजय दत्त के स्पेशल सॉन्ग की खबरों को संजय गुप्ता ने झुटलाया। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा नहीं कर रहे हैं अभी शादी। नवाजुद्दीन आए जॉन, अर्जुन और विवेक की बराबरी पर। विवेक ओबरॉय ने साधा निशाना आमिर खान और अजय देवगन के फैंस पर। आई फील कि जो आज आमिर खान का फैन है वो बिलीव करता है ही इज नंबर वन, जो अजय देवगन का फैन है वो ही बिलीव ही इज नंबर वन। विवेक के मुताबिक बॉलीवुड में नंबर वन की पोजीशन नहीं रखती कोई मायने। नंबर वन किसके लिए है और क्यों है, आई डोंट नो। विवेक ने तो ये भी साफ कर दिया कि अगर वो इस नंबर गेम के चक्कर में फंसते तो कब का उनका इंडस्ट्री से हो गया होता पैकअप। यू आर अलाउइंग एवरी फ्राइडे एंड एवरी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस टू डिसाइड हु यू आर एंड वेयर यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो 5-7 साल पहले ही मैं इंडस्ट्री छोड़ के निकल गया होता। जब मेरी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी तो मेरा तो पैकअप ही हो गया था फिर करियर का। सुना आपने फ्राइडे की फिगर्स को कैसे इनडायरेक्टली कर दिया विवेक ने टारगेट। अपने बहाने विवेक साथ गए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों पर निशाना। यही नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर निगाह रखने वालों को खुद के जरिए नसीहत भी दे गए विवेक। हर एक की अपनी सोच है, उसमें चले गए तो दैट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप यार, क्योंकि देन यू आर अलाउइंग एवरी फ्राइडे एंड एवरी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस टू डिसाइड हु यू आर एंड वेयर यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो 5-7 साल पहले ही मैं इंडस्ट्री छोड़ के निकल गया होता। जब मेरी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी तो मेरा तो पैकअप ही हो गया था फिर करियर का। यू कांट, आई डोंट बिलीव कि यू शुड फोकस ऑन द लास्ट फ्राइडे, वेदर इट्स अ सक्सेसफुल फ्राइडे और अनसक्सेसफुल फ्राइडे। पिक्चर हिट हुई तो भी ठीक है, नहीं हिट हुई तो भी ठीक है, अपना नेक्स्ट काम क्या है। Well, विवेक, भले ही आप नंबर गेम्स पर यकीन नहीं करने की बात कर रहे हैं पर बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस फिगर्स कितना मायने रखता है ये आप भी बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं। फरूद रानी चतुराज, जूम मुंबई। फिल्म जज्बा में संजय दत्त के कैमियो को लेकर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते फिल्म के मेकर्स। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जब डायरेक्टर संजय गुप्ता से फिल्म जज्बा में संजय दत्त की स्पेशल अपीयरेंस के बारे में सवाल किया गया तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया। Is he was in town, those there said drop by, wish us, he wished us, and everybody could say cameo hai ye, kuch nahi hai, nothing. Na keval director Sanjay Gupta balki film ki main lead Aishwarya bhi is news par kuch bhi nahi kehna chahti. How's your experience working with Sanjay Dutt? Because we have sources that you have done a song with Sanjay Dutt, proper as well. Huh? Yes? Dude, no. That's why, I don't know where these questions have come. यही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर सचिन जोशी भी संजय दत्त को लेकर कुछ भी रिवील करने को नहीं है तैयार। मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा कुछ मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इट्स गोना बी अ ग्रेट सरप्राइज एंड इट्स गोना बी अ गुड पैकेज एज अ प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली ऑडियंसेस आर गोना लव इट एंड गेट एंटरटेन्ड विद द फिल्म। वेल, भले ही यहां सचिन ने फिल्म में संजय दत्त के होने की बात ना कबूली हो लेकिन फिल्म में ऑडियंसेस के लिए कुछ स्पेशल होने की बात कहकर ना कुछ कहते हुए भी हिंट तो दे ही दिया है। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. किस खबर को सच नहीं बता रहे हैं करण सिंह ग्रोवर? किस सवाल पर करण ने कहा? दरअसल पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि करण और बिपाशा करने वाले हैं जल्दी शादी और जैसे ही हमें एक फिल्म के मुहूर्त पर करण मिले तो हमने उनसे इस बारे में पूछ ही लिया। आप इन शादी की खबरें पा रहे थे क्या, ये बस सच है सर? वो खबर मुझ तक तो पहुंची नहीं, तो पता नहीं आपके पास पहुंची थी नहीं सर, इट्स नॉट। सुना आपने, जल्द ही शादी करने की खबरों को पूरी तरह से झुटला दिया करण ने। पर जिस तरह से करण और बिपाशा की दोस्ती गहराती जा रही है उससे कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये दोनों बन जाएंगे शादी के बंधन में। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। जॉन इब्राहिम, विवेक ओबरॉय और अर्जुन रामपाल के लेवल तक पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज ने बढ़ाई अपनी फीस। नवाज करते हैं 4 जॉन, विवेक और अर्जुन की जितनी फीस। वैसे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उनको मुंह मांगी फीस दे ही देते हैं, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे आजकल कितनी फीस चार्ज करते हैं नवाज इवेंट्स में अपने अपीयरेंस के लिए। तकरीबन 1-2 लाख चार्ज करने वाले नवाज अब अपने हर पब्लिक अपीयरेंस के लिए डिमांड कर रहे हैं अराउंड 12 लाख रुपीज।
हम आपको बता दें कि ये अमाउंट जॉन, विवेक और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स चार्ज करते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को। अब ये खबर चौंका देने वाली जरूर है इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो नवाज को बुलाना चाहते हैं अपने इवेंट पर। लेकिन जिस किस्म की एक्टिंग है नवाज की ऑन स्क्रीन, उसके चलते इस अमाउंट को जस्टिफाई भी जरूर करते हैं वो। मुंबई में रखी गई फिल्म जज्बा की रैप अप पार्टी, जहां हमने स्पॉट किया ऐश्वर्या राय बच्चन, डायरेक्टर संजय गुप्ता और प्रोड्यूसर सचिन जोशी को। वहीं इंडिया से दूर जापान में अपनी जापानीज प्ले के शूट में बिजी इरफान खान को स्किप करनी पड़ी अपनी फिल्म की रैप अप पार्टी। लेकिन अपनी कमबैक फिल्म को लेकर ऐश्वर्या है काफी एक्साइटेड। It's been wonderful working on Jazba with Sanjay, and I guess I'm as anxious now. Suddenly, the more you all say this to me, well, anxious as in, I think I'm just looking forward. You know, October is not far away, so looking forward now to the release. यहाँ मौजूद ऐश्वर्या से जब पूछा गया कि फिल्म के ऑन लोकेशन पिक्चर्स लीक होने से फिल्म पर कितना बुरा असर पड़ता है, तो इस सवाल पर उन्होंने कुछ ये कहा। Today with the smartphones, everybody is the paparazzi. So it's very, very difficult to keep anything absolutely and completely away from the public eye until the release. Well, Aishwarya, आपकी इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि आज के दौर में इन सब चीजों को पूरी तरह से रोकना है काफी मुश्किल। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Varun Dhawan definitely बहुत आगे जाने की है उसमें जो पोटेंशियल, और बहुत आगे तक चले भी गया है वरुण। वरुण धवन को अपना कंपटीशन मानते हैं सूरज पंचोली। फिल्म हीरो से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सूरज पंचोली का मानना है कि वरुण धवन अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में काफी आगे पहुंच चुके हैं। वरुण धवन डेफिनेटली बहुत आगे जाने की है उसमें जो पोटेंशियल, और बहुत आगे तक चले भी गया है वरुण। yes. यही नहीं, अपनी पहली ही रिलीज के बाद सूरज इस बात को भी बखूबी समझ चुके हैं कि जिस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है वहाँ यंग स्टार्स के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन डेफिनेटली है, हर फील्ड में कंपटीशन है, आपकी फील्ड में भी कंपटीशन है। आज हम यहाँ पे इंटरव्यू ऐसा दे रहे हो तो कोई दूसरा सोचेगा मैं इससे अच्छा इंटरव्यू दूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ और आगे, पर काम सबके लिए है सर। बल सूरज, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने टैलेंट के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बना सके। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। इन दिनों मुंबई में जिस सेलिब्रिटी को जब टाइम मिले वो पहुंच जाते हैं गणपति जी का आशीर्वाद लेने। हाल ही में हमने फिल्म स्टार विवेक ओबेरॉय को स्पॉट किया मुंबई के फेमस सिद्धिविनायक मंदिर में टू सीक ब्लेसिंग्स, और यहाँ उनको फेस करना पड़ा काफी फैंस को, जिन्होंने विवेक को घेर लिया टू टेक सेल्फीज एंड टॉक टू हिम। आज हमें दर्शन मिले सिद्धिविनायक जी के, और इतने सारे श्रद्धालु, इतने सारे भक्त आए आज, और इतना मजा आया यहाँ पे आकर महामोदक देखकर, 7 फुट का महामोदक देखकर, और यहाँ पे गणपति जी की आरती लेकर बहुत बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी। एक तरफ जहां विवेक को घेर लिया लोगों ने, वहीं दूसरी तरफ जज्बा फिल्म से कमबैक करने वाली ऐश्वर्या भी दिखी एट अ सबर्बन गणेश पंडाल इन मुंबई विद अ डॉटर आराध्या टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। वेल, वी होप गणेशा जी आप दोनों को बहुत सारा सक्सेस दे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा की डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले ही आ गई है इन ट्रबल। कपिल की फिल्म को मिला है लीगल नोटिस। हम आपको बता दें कि कपिल शर्मा की डेब्यू फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्टोरी लाइन अपेरेंटली काफी मिलती जुलती है टू कनाडा कॉमिक केपर निम्बे हुली, और जब इस फिल्म की प्रोड्यूसर्स ने किस किस को प्यार करूं के ट्रेलर्स और प्रोमोज देखे तो काफी शॉक रह गए। दरअसल इस कनाडा फिल्म की हिंदी रीमेक के राइट्स है एक प्रोडक्शन हाउस के पास बेस्ड इन तमिलनाडु। ऐसे में चेन्नई बेस्ड प्रोडक्शन हाउस लास्ट वीक लीगल नोटिस भेजा है डिमांडिंग एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ किस किस को प्यार करूं। Well, we hope this matter gets solved soon and fans are able to watch Kapil and his antics on the big screen. Bureau Report, Zoom, Mumbai. अपने ही बातों में फंसे इमरान खान। इंडस्ट्री के फीडबैक पर सवाल उठाने वाले इमरान अब कर रहे हैं इनकी पैरवी। इमरान की बातों का ये पूरा खेल बताएंगे आज शाम 7 बजे। For more Bollywood news and gossip, watch Planet Bollywood tonight at 7 p.m.